अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कुक विद फातिमा। आज मैं लेकर आई हूँ एक और न्यू रेसिपी जिसका नाम है दही पूरी। तो चलिए अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी इसमें। ये मैंने लिया है मीठा दही, इसको अच्छे से मैंने शुगर डालकर फीट लिया। ये इमली की चटनी, इसकी रेसिपी भी मेरी चैनल पर है, आप देख सकते हैं। ये बॉइल्ड पोटैटो, उनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है। ये मैंने थोड़ी सी 2 से 3 ऑनियन ली है, उसको ऐसे चॉप्ड कर ली है। 3 टोमेटोज ली है, उसको भी मैंने ऐसे चॉप्ड कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। ये मैंने चना लिया है 1/2 कप के करीब, बारीक वाली सेव ले 1/2 टेबल स्पून के करीब, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, सॉल्ट और 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। और ये है हमारी दही पूरी की पूरी। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए एक प्लेट में मैंने ये पूरियों को रख दी है, अब मैं इसे बीच से क्रैक करती हूँ। देखिए मैंने सारी पूरियों को ऐसे बीच से क्रैक कर ली है, अब मैं इसमें आलू की स्टफिंग भरती हूँ। देखिए सारी पूरियों में मैंने आलू की स्टफिंग को भर दिया है, अब मैं इसमें चना ऐड करती हूँ। देखिए सारे चनों को मैंने इस पूरी में ऐड कर दिया है, अब मैं इसमें टमाटर ऐड करती हूँ। सारे टमाटरों को भी पूरियों में ऐड कर देना है इसे। देखिए अब मैं इसमें प्याज ऐड करती हूँ। इसके बाद हम इसमें इमली की चटनी ऐड करते हैं। इसको भी सारी पूरियों में से डाल देनी है। अब मैं इसमें दही ऐड करती हूँ। अब दही पूरी है तो दही तो इसमें जाएगा ही। ऐसे ही सारी पूरी में इसको भी ऐड कर दे। दही भी मैंने ऐड कर दिया। अब मैं सेव ऐड करती हूँ इसमें। फिर इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे, छिड़केंगे इस पर। नमक चुटकी भर, और ज़ीरा पाउडर। लीजिए हमारी डिलीशियस दही पूरी अब बनकर रेडी है। अगर आपके पास कोरिएंडर लीव्स हो यानी कोथमीर तो वो भी इसके ऊपर छिड़के। मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैंने नहीं डाला। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे उम्मीद आपको ज़रूर पसंद आएगी। बिल्कुल आपको बाहर जैसी लगेगी ये दही पूरी।
अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हो तो मुझे लाइक दे। मेरी चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। साइड पर होगा बेल बटन, उस पर भी क्लिक करें, इससे मेरी सारी नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहेगी। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें मेरी रेसिपीज़ को। फिर मिलते हैं एक और अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।